एवरेज ओन 85,000 से दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम 60,000 से ये लोकसभा का चुनाव जीतना आरंभ करेंगे और अधिकतम 1,10,000 85,000 वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रहे हैं। इसमें 5,000 तक प्लस हो सकते हैं और 5,000 माइनस भी हो सकते हैं। अरविंद कुमार शर्मा को एवरेज ओन 50,000 वोट मिल रहे हैं, इसमें 5,000 प्लस भी हो सकते हैं और 5,000 माइनस भी हो सकते हैं। बेरी विधानसभा में भी 25,000 से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतना आरंभ करेंगे 35,000 तक। बादली विधानसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा 15,000 से जीतना आरंभ करेंगे, उनकी जीत का मार्जिन 25,000 तक जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। मतदान के बाद सबसे बड़ा सवाल, कौन सा प्रत्याशी कौन सी सीट पर जीतेगा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, पर आज का हमारा ये वीडियो मतदान के बाद हम रोहतक लोकसभा, जहां हम रहते भी हैं, जहां सबसे ज़्यादा हमारा ग्राउंड वर्क भी है, उस पर क्या रहेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बीजेपी के समर्थक डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिता रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता रहे हैं, लेकिन असल में जीतेगा कौन, या तो ईवीएम मशीन को पता है या मतदाता को पता है जिन्होंने कल अपना वोट डाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हम सब के सामने है, जो इस बार वोटर टर्नआउट था वो काफ़ी कम रहा 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले। अगर बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है उसके हिसाब से 63.65% रोहतक लोकसभा का डाटा रहा, यानी कि टर्नआउट रहा। ये इनका प्रोविजनल डेटा है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस लास्ट तक ये कुछ दिनों तक चलता रहता है, जिसके अंदर बादली में 64%, बहादुरगढ़ में 56%, बेरी में 64%, गढ़ी सांपला किलोई में 69.78%, झज्जर में 62%, कलानौर में 66%, कोसली में 62.50%, महम के अंदर 69.80%, रोहतक में 59.40%। ये था वोटर टर्नआउट रोहतक लोकसभा का। लेकिन क्या समीकरण रहे, कल का दिन कैसा रहा, जानकारी लेने के लिए, एक असेसमेंट करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथूरिया जी। कथूरिया साहब हमारे चैनल पर रेगुलर हैं और आज इनसे जानेंगे रोहतक लोकसभा में कल क्या हुआ और 4 जून को हम क्या परिणाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कथूरिया साहब आपका स्वागत है, कल मतदान हो चुका है, अब बताएं रोहतक लोकसभा का, क्योंकि कई बार चुनाव मतदान वाले दिन फिर जाता है, रोहतक लोकसभा में क्या असेसमेंट है आपका। देखो, आज से 3 महीने पहले हमने रोहतक लोकसभा की एक वीडियो बनाई थी और 3 महीने के बीच में चुनाव काफ़ी बार बदला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, परंतु कल चुनाव के बाद जो हमारी पहली वीडियो का मार्जिन था लगभग 85,000 के करीब, एवरेज ओन 85,000 से दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम 60,000 से ये लोकसभा का चुनाव जीतना आरंभ करेंगे और अधिकतम 1,10,000 तक चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इस बार वोटर टर्नआउट बहुत कम है, तो उसका सीधा सीधा नुकसान ऐसा माना जाता है, अगर वोट लोग डालने नहीं आ रहे हैं इसका मतलब लोग सरकार से ज़्यादा नाखुश नहीं है। देखिए सचिन जी, अब कोसली विधानसभा जो थी वो भाजपा का गढ़ पिछली बार 75,000 की लीड मिली थी, इस बार वहाँ 5% का मत घटा, लगभग वहाँ 10,000 वोट पिछली बार के कंपैरिजन में कम पोल हुए। तो आप देखिए, रोहतक शहर में 60% के करीब मतदान हुआ है, 59.40, हाँ जी, करीब 60, जिसमें कुछ पोस्टल बैलेट वगैरह मिला के अप्रोक्स 60 ही हो जाएगा जी। लगभग पूरी रोहतक लोकसभा में 12,00,000 के करीब मतदान हुए हैं। मेरे अनुमान में ये लगभग 1,20,000 से 1,50,000 ओवरऑल रोहतक लोकसभा में पोलिंग कम हुई है जी।
फिर अब हम विधानसभा क्षेत्र वाइज आते हैं। सबसे पहले मैं महम की बात करता हूँ। जी, महम से बड़ी आशाएं हैं कांग्रेस पार्टी को। हम बिल्कुल 2,00,000+ मत हैं, या लगभग 1,40,000 के करीब मत पोल हुए हैं। इनमें से मेरी जो असेसमेंट है, जिस दिन रिजल्ट आए आप देख लेना, 85,000 वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रहे हैं। इसमें 5,000 तक प्लस हो सकते हैं और 5,000 माइनस भी हो सकते हैं। और मेरी जो असेसमेंट है, अरविंद कुमार शर्मा को एवरेज ऑन 50,000 वोट मिल रहे हैं। इसमें 5,000 प्लस भी हो सकते हैं और 5,000 माइनस भी हो सकते हैं। वहाँ बाकी जो 5,000 वोट्स, उसमें सभी बाकी कैंडिडेट सिमट जाएंगे। ये तो मेरा महम विधानसभा को लेकर। लीड दीपेंद्र की कितने की रहेगी? कम से कम दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे 30,000 के करीब करीब जीत रहे हैं इस चुनाव को। 30,000 महम से लीड, और यहाँ का जो वोट परसेंटेज है 69.80, पूरी रोहतक लोकसभा में सबसे ज़्यादा महम के अंदर वोटिंग टर्नआउट हुआ है। कल मैं सारा दिन लगभग महम विधानसभा में ही था, तो महम के विधानसभा के कुछ ऐसे गांव हैं जहां भाजपा भी जीत रही है, जैसे किशनगढ़ गांव है, समर गोपालपुर गांव है, निडाणा गांव है, इंद्रगढ़ गांव है, बैसी गांव है। इन महम शहर प्रॉपर कस्बा है, वहाँ भी भाजपा जीत रही है। जो भाजपा को सबसे बड़ा डेंट लग रहा है वो बड़े बड़े गांवों में, बलम्बा, मोखरा, ठीक है, निंदाना, मोखरा में कुंडू साहब भी मोखरा से ही हैं, बलराज कुंडू। वैसे उनका बेसिकली गांव तो भाली है जी, और वो कलनहर विधानसभा में आता है। पर मुझे जो आकलन है, मैंने जो असेसमेंट की है, मेरी असेसमेंट में बड़े बड़े सभी गाँवों में हार रही है। हाँ, एक दो जगह प्लस भी हुआ है, यहाँ पर लाखन मायरा में। बहुकपुरपुर तो अकेला कांग्रेस की तरफ रुझान है पूरा। कहाँ पर? बहुकपुरपुर। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अकबरपुर भी बहुत बड़ा गांव है। बड़े सभी गांवों में कांग्रेस को अच्छी बढ़त। मदीना में क्या हाल है? मदीना में एप्रोक्स जो मेरे अनुमान में लगभग 2,000 से 2,500 के बीच में मुझे अरविंद कुमार शर्मा दिखाई देते हैं, और एप्रोक्स जो बढ़त यहाँ पे आएगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लगभग 2,500 मतों की एवरेज होगी। और जो महम से दूसरी तरफ है, बड़े बहन और फरमाना वगैरह गांव है, देखो सेमेण गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को डेंट लगता दिखाई दे रहा है, फरमाना गांव में डेंट लगता दिखाई दे रहा है। जीत भले ही दीपेंद्र सिंह, पर मार्जिन में कमी आई है, ठीक है, इन दो गांवों में। और लाखन मायरा में भी वोट में यहाँ अरविंद शर्मा का बड़ा है, बाकी अभी चुनाव परिणाम। तो महम के बाद हम अगली विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई पे आते हैं। कल मैं भी काफी गढ़ी सांपला किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आशा हुड्डा, श्वेता हुड्डा, जिस समय वोट डालने आए मैं वहीं था उस समय, और कल मैं भी कई गांव में गुआ हूँ। पहले आप बताइए गढ़ी सांपला किलोई में क्या असेसमेंट है? गढ़ी सांपला किलोई में मेरे अनुसार एवरेज ऑन जो लीड रहेगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, मेरे असेसमेंट में लगभग 45,000 वोटों की लीड रहने का अनुमान है। जो पोलिंग परसेंटेज कम रहा है 45 से 55, एवरेज 50 तक नहीं। वहाँ भी जो वोट टर्नआउट है वो 69.78% है, महम के बिल्कुल बिल्कुल आसपास ही है। तो देखिए जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम ही है। हाँ वैसे कम ही, ओवरऑल कम, ओवरऑल कम है। जो एक्सपेक्टेशन थी वो 75% से ऊपर थी। जी, अगर ये 75% से ऊपर होता तो ये लीड लगभग 58,000 से 60,000 तक जाती। अब ये 50,000 के सराउंडिंग, एवरेज 50,000, कम से कम 45 और मैक्सिमम 55। जी, तो ये गढ़ी सांपला किलोई का आपका असेसमेंट है। गढ़ी सांपला किलोई में मैं भी था कल, तो गढ़ी जो अपना सांगी गांव है वहाँ हुड्डा साहब वोट डालने आए, उसके बाद ब्राह्मणवास गांव और खिडवाली वगैरह, कल मैं वहाँ गया तो मैंने ये देखा, इवन ब्राह्मणवास गांव जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्राह्मणों का गांव है, वहाँ भी मैंने देखा कि कांग्रेस के रोड के ऊपर जो है ना दो तंबू तने हुए थे और बीजेपी का एक तंबू तना हुआ था। दोनों तरफ मेरी बात हुई, कांग्रेस वाले ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, और वो 70-30 का हमारा माहौल है, 70 दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी वालों ने दावा किया कि 70 हमारे हैं, 30 इनके हैं। खैर ये मान लेते हैं वहाँ भी मुकाबला जो है कांग्रेस बनाए हुए थी। ये बड़ा एक इंडिकेटर होता है। किलोई हल्के के जो ब्राह्मण गाँव हैं वहाँ पर इस बार गेन किया है कांग्रेस पार्टी ने,
बाकी ब्राह्मण गांवों जो किलोई हल्के के को छोड़ के बाकी ब्राह्मण गांव हैं वहां पर अरविंद कुमार शर्मा और मजबूत हुए जी। उसके बाद हम बात करेंगे रोहतक शहर की, रोहतक शहर की बात करें जिसका टर्नआउट है 59.40 60% के सराउंडिंग ही मान लेते हैं, लगभग 1,20,000 के करीब वोट पोल हुए हैं और मेरे अनुसार यहाँ पे 10,000 से 12,000 की जो लीड है भाजपा के प्रत्याशी अरविंद कुमार शर्मा, जो पिछला उनका वोट बैंक था लगभग 64,000 वहाँ से थोड़ा सा डाउन आ रहे हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ा सा गेन कर तो इस बार उदासीन लगे मुझे रोहतक शहर के लोग इतना मतलब क्योंकि रोहतक शहर तो लीड दी काफ़ी बीजेपी को, इस बार मुझे लगा कि गर्मी भी एक बड़ा कारण था। देखो मैं जो पोलिंग परसेंटेज में कमी का सबसे बड़ा कारण गर्मी को ही मानता हूँ, यहाँ जो होता सरकार के विरुद्ध या सरकार की फेवर में ऐसा कुछ नहीं था, ये जो वोटों में कमी आई है ये केवल गर्मी के कारण आई है और ये जो इतना पोलिंग परसेंटेज ये भी जो किसी भी पार्टी के एजेंट थे या कार्यकर्ता थे उनके दम पर। एक इंटरेस्टिंग बात, मैं कल गढ़ी सबला कलानौर हल्के के कई गांव में गया, मुझे इतना ज़्यादा फोर्स भी दिखाई नहीं दी जितना एक कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय होगी और बड़ी दिक्कत हर रहेगी। बूथ पे दो ही और होमगार्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, हरियाणा पुलिस और होमगार्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे थे जो बाहर से बुलाए हुए थे, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स बहुत कम दिखाई दे रहे थे। कुछ भी नहीं था बिल्कुल जी। सामान्य। चलो ये एक अच्छी बात, ये एक अच्छी बात है ये जी। तो रोहतक के बाद हम बात करेंगे कलानौर की, कलानौर में मेरा गाँव भी आता है जी, कलानौर में 66%, हाँ लगभग 65-66% वोट टर्नआउट हुए हैं। तो मेरे अनुसार यहाँ पर इस बार जो पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा लिटिल बिट मार्जिन से पिछड़ गए थे, इस बार बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जो रोहतक शहर के 8 वार्ड हैं जो कलानौर विधानसभा में आते हैं वहाँ भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अच्छा गेन और गाँव में भी कांग्रेस ने काफ़ी गेन किया, गाँव में तो गेन किया ही है। तो यहाँ पर पिछली जो हार का अंतर खत्म करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा 5,000 से 10,000 के बीच में बढ़त ही बनाए जी। झज्जर 62.60 यहाँ का टर्नआउट रहा, बाद में शायद झज्जर का परसेंटेज बढ़ गया है, नहीं ये अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेटेस्ट में बता रहा हूँ आपको जो मुझे अभी तक है, हो सकता है ये प्रोविजनल डेटा है प्लस माइनस हो सकता है। झज्जर में भी बढ़त दीपेंद्र सिंह हुड्डा की है पर इतनी बड़ी भारी मार्जिन से नहीं है, 8,000 से 12,000 के बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर शहर से भी जीत रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे बेरी की, 64% बेरी और महम विधानसभा में बिल्कुल एक जैसा ही आंकड़ा दिखाई देगा आपको मार्जिन का। बेरी विधानसभा में भी 25,000 से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतना आरंभ करेंगे, 35,000 तक उनका मार्जिन। बहादुरगढ़ शहर 56% टर्नआउट रहा है, बिल्कुल सबसे बड़ा जो नेक टू नेक फाइट आपको देखने को मिलेगी बहादुरगढ़ शहर में। मैं बहादुरगढ़ शहर को बराबर ही मान के चल रहा हूँ जी, बिल्कुल मेरे पास भी रिपोर्ट ये है कि बहादुरगढ़ जो है पूरा नेक टू नेक है, जितना भी लोग शहर में हुआ गाँव वालों ने पीपी भर दी एक तरह से, तो बड़ा जो है ना चैलेंज है बहादुरगढ़ का प्रिडिक्ट करना, तो इसलिए हम इसको नेक टू नेक पे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बादली और फिर कोसली। बादली का जो टर्नआउट रहा 64% इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोविजनल डेटा के हिसाब से, अब वो लास्ट तक बढ़ के 65.4% हो गया जो मेरे पास डेटा आया है। तो मुझे लग रहा है कि बादली विधानसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा 15,000 से जीतना आरंभ करेंगे, उनकी जीत का मार्जिन 25,000 तक जा सकता है, एवरेज ऑन 20,000 से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। कोसली में 62.50 प्रोविजनल डेटा के हिसाब से लास्ट में 64% जी, ये जी मैं वही कर रहा हूँ ना प्रोविजनल डेटा है। कोसली में भी पिछली बार 69% से ऊपर मतदान हुआ था, 5% जो मत प्रतिशत गिरा है इसका भारी नुकसान होगा। अब 5% गिरने का मतलब मान सकते हैं कि लगभग 2,74,000 के करीब वोट हैं, 13,000 से 14,000 वोटों की पोलिंग कम हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछड़ रहे हैं पर जो उनका हार का अंतर होगा वो 40,000 से 50,000 के 40 से 50,000 सुनने में यही आ रहा है। एवरेज 45,000। तो आपका प्रेडिक्शन है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4 जून को रोहतक लोकसभा से कितने मार्जिन से जीतेंगे? कम से कम 60,000 और अधिक से अधिक 1,10,000, एवरेज 60,000 प्लस जी। और जो साइलेंट वोटर है उनका क्या रोल रहा कल?
देखिए साइलेंट वोटर अब कुछ भी नहीं रहा, साइलेंट सब कुछ खुल के सामने आ गया। अभी जो बीजेपी को वोट कर रहा था वो बोल के बीजेपी को वोट कर रहा था, जो कांग्रेस को वोट कर रहा था वो बोल के कांग्रेस को वोट कर रहा था। मुझे तो इक्का दुक्का ही कोई साइलेंट वोटर मिला होगा, जहाँ भी मैं जा रहा था मुझे सब क्लियर बता रहे थे भाई हम बीजेपी के साथ, हम कांग्रेस के साथ। तो ये एक नई बात थी। तो हमारा जो रोहतक लोकसभा का असेसमेंट है, जो कथूरिया साहब ने बताया, जो कल ये ग्राउंड में एक्टिव रहे, उसके हिसाब से रोहतक लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को आएगा जो ईवीएम मशीन के अंदर बंद है। हम उस दिन का इंतजार करेंगे और देखते हैं कि हमारा असेसमेंट कितना ठीक है कितना गलत। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने गांव और अपनी विधानसभा की जानकारी ज़रूर दीजिएगा कि आपके गांव में क्या पोजीशन है, आपकी विधानसभा में क्या पोजीशन है, और आपका जो आकलन है वो हमारे आकलन से कितना मेल खाता है और कितना डिफरेंस है। जी थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।